सर स्टार्ट करूं? जी सर, हाँ सर। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, देखा था हमने कि ये जो एल एम एन होता है उसमें रिलेशन क्या होता है। तो ये डायग्राम वगैरह था और इसके बाद में उसका जो रिलेशन होता है वो क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, सबको स्क्वायर करने के बाद प्लस करते हैं तो कितना आता है, वन आता है। ये एक फर्स्ट हमने रिलेशन देखा था। अच्छा, जब एंगल होंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या होता है, वन होता है। ये जब ये रिलेशन कब यूज करना है, जब हमें ना यहाँ पे एंगल्स दिया रहेगा, ये कब यूज करना है, जब एंगल दिया रहेगा, जब एंगल्स दिया रहेगा तब हमें ये रिलेशन यूज करना होगा, जब कोसाइन दिया रहेगा तब हमें ये यूज सॉरी मतलब वही एलएमएन यूज करना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन के लिए। अच्छा, इसके बाद में डायरेक्शन रेशियो स्टूडेंट क्या था, जब किसी भी डायरेक्शन कोसाइन को अगर रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे सेम मतलब कोई कॉन्स्टेंट टर्म मिलता है, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये सब जो है वो एक कांस्टेंट टर्म मिलता है अगर उसको डिवाइड करने के बाद में, तो वो क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज होता है जिससे डिवाइड करते हैं रियल नंबर। तो ए बी और सी यहाँ पे क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। और स्टूडेंट अगर दो पॉइंट दिया है ना, अगर जब हमें दो पॉइंट दिया है तो डायरेक्शन रेशियोज को कैसे आइडेंटिफाई कर मतलब कैसे फाइंड करना है, दोनों पॉइंट्स को ना माइनस करना, फोर को टू से, सेवन को फाइव से, नाइन को थ्री से, तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे पहले हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा था, अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या है, ये रिलेशन है। सो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन मतलब सॉरी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन क्या है, एल के लिए क्या होता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है प्लस में, एम के लिए प्लस माइनस बी और एन के लिए प्लस माइनस सी होता है। फिर कुछ सम सबने सॉल्व किए थे कल का। अच्छा, आप लोगों को कुछ डाउट है? कल का कुछ डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक है 5.4 के लिए। सर सर हाँ बताओ सर, लास्ट वाला सम एक बार रिपीट कर दोगे क्या? वही नहीं समझा, बाकी सब समझा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है ना डायरेक्शन रेशियोज दिया है एबी का। एबी का डायरेक्शन रेशियोज गिवन है कितना है, टू माइनस टू और फोर वन सॉरी। देखो डायरेक्शन रेशियो से हमें क्या मिल सकता है, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। डायरेक्शन कोसाइन सिस्टम ए के लिए टू है, बी के लिए माइनस टू है, सी के लिए वन है, तो हमने एल एम एन निकाल लिया। एल का वैल्यू टू बाय थ्री, एम का वैल्यू माइनस टू बाय थ्री और एन का वैल्यू वन बाय थ्री। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन ये डायरेक्शन रेशियो से हमें क्या मिला, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। अब यहाँ पे ए के लिए ये पॉइंट दिया है 415, तो ये डायग्राम में ए के लिए क्या पॉइंट है 415 है, तो जो गिवन पॉइंट है उसको हमने x1 y1 z1 कंसीडर किया। मैंने ये बताया था नंबर लाइन से, जैसे कोई एक पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, अब मैं बोल रहा हूं कि 6 यूनिट डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है एक, तो 6 यूनिट डिस्टेंस मतलब टोटल कितना हो जाएगा, पहले 2 था अभी 6 हो गया, तो स्टार्टिंग से 0 से लेके यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे हमने फाइंड किया, यहाँ पे जो इनिशियल था उसमें 6 प्लस कर देना है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही। अब 6 जो है ये आइदर पॉजिटिव साइड हो सकता है या फिर नेगेटिव साइड होगा, राइट साइड है तो मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो मतलब नेगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दो सिचुएशन है। तो अगर जैसे कोई पॉइंट 0 के अगर राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर 0 के लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव होगा। तो दो कंडीशंस हो सकता है। अगर मैंने पूछा कि 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो 2 यूनिट ये साइड भी हो सकता है या फिर ये साइड हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। दो मतलब 2 यूनिट
एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है, इधर पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड हो सकता है, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ए से लेके ये पॉजिटिव साइड में और ये फिर नेगेटिव साइड में सिक्स हमने कंसिडर किया, तो प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे टू में हमने सिक्स प्लस किया था, जो भी डिस्टेंस था वो प्लस किया था, तो बट लाइन के कंडीशंस में क्या होता है ना, जो पॉइंट है उसमें डिस्टेंस तो प्लस करना है बट उसके साथ था डायरेक्शन कोसाइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने जो पॉइंट था पहले से एक्स वन था, एक्स वन प्लस माइनस दोनों आ गया, और डिस्टेंस में डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, यहाँ पे पहले एक्स वन के साथ एल, वाई वन के साथ एम, जेड वन के साथ एन, तो सब टर्म्स में यहाँ पे एल एम एन हमने पहले निकाल लिया, एल एम एन, एक्स वन वाई वन जेड वन पता है, एक्स वन वाई वन जेड वन यहाँ पे जो है वो 415 है, और फिर इसके बाद में डी जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट है, तो सबका वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, समझाइए विराम। हाँ सर, हाँ। सो नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से, तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे समझ लो हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किया, एक मिनट, हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किया जो कि एक एक ही सरफेस पे है, मतलब एक ही प्लेन पे है, एक सरफेस पे है मतलब एक ही प्लेन पे है, तो वो कोप्लानर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले ये कंसीडर कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे पहले ये कंसीडर कर रहे हैं, दो वेक्टर है, लेट ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, एक ए बार है और एक बी बार है, ये दो नॉन जीरो वेक्टर्स है इन अ स्पेस, इन अ स्पेस। तो ये डायग्राम में हम लोग कंसीडर करते हैं, एक ये बी बार हो गया और ये ए बार हो गया, ये एक एक ही स्पेस में एक ए बार है और एक क्या है, बी बार है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लेट ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन अ स्पेस, तो ये ए बार हो गया और ये बी बार हो गया, एक ही स्पेस में है, मतलब एक ही प्लेन में है, एक मिनट, ये एक ही प्लेन है, ठीक है। सो लेट ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो, नॉन जीरो वेक्टर्स इन अ स्पेस। अच्छा, अब ये कोलिनियर नहीं होंगे, हाँ ये कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, इफ ए बार एंड बी बार आर नॉट कोलिनियर, इसीलिए हमने उसको अलग से लिया है, कोलिनियर होता तो एक ही लाइन पे दोनों होता। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं, इन दोनों के लिए ना यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। अच्छा, जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो परपेंडिकुलर, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखोगे ये जो प्लेन सरफेस है, अब ये थ्री डायमेंशनल तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते, बट कंसीडर करो ये जो है ना ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो है वो सरफेस पे देखो परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स है, एक ए बार है और एक बी बार है, और ये जो है ना वो परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर आप लोग मतलब नॉर्मल, अगर देखो ये एक सरफेस हो गया, सरफेस पे दो दो वेक्टर हो गए, ठीक है, दो वेक्टर होगा, और अगर पेन वगैरह ऐसे है यहाँ पे तो वो कैसा ना मतलब परपेंडिकुलर होता है, अभी यहाँ पे तो प्रॉपर वैसा बता नहीं पाएंगे। तो ये डायग्राम में 3D इमेजिनेशन करो कि जैसे दो वेक्टर से, एक ए बार है और एक बी बार है, और ये जो है ना वो यूनिट वेक्टर है और क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके प्लेन के। अच्छा, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ऐसे हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक मिनट, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ये हो गया। तो अगर अपर साइड के लिए हम लोग पॉजिटिव में एन कैप लिखते हैं, तो नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड साइड के लिए नेगेटिव में एन कैप है, ठीक है, देखो दोनों ना परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लिए,
ये प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों भी। तो हमने पहले क्या डिफाइन किया, ए बार और बी बार, ये दो नॉन जीरो वेक्टर से कहां पे, स्पेस में। ए बार और बी बार कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है सॉरी। अब हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर कंसीडर किया एन कैप, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या कंसीडर किया एन कैप। यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है, जो क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। ए बार बी बार हो गया, और एक यूनिट वेक्टर है जो कि एन कैप है, वो परपेंडिकुलर है कहां पे, प्लेन पे, ठीक है। अब इसमें बाय राइट हैंड रूल, आप लोगों को राइट हैंड रूल अगर पता होगा अच्छे से, बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल स्टूडेंट क्या था कि यहाँ पे जो भी मतलब थंब जो रहता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड रूल कुछ ऐसा रहता है ना, मतलब ये जो हमारा थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, और जो मतलब बाकी फिंगर्स होते हैं वो मतलब एक मिनट वो डायग्राम से, तो एक काम करेंगे क्या, कोई पेज नंबर 170 ओपन करो क्या, मतलब कोई स्क्रीन शेयर करके 170 पेज नंबर ओपन करो ये टेक्स्टबुक का, क्योंकि मतलब मेरे पास अभी फिलहाल इसमें टेक्स्टबुक नहीं है। विराम कोई भी एक बार स्क्रीन शेयर करके पेज नंबर 170 ओपन करो। सर होस्ट डिसेबल है। अच्छा अच्छा संकेत सर कर दिया सर ने 170 पेज नंबर सिर्फ एक बार ओपन करना, डायग्राम सिर्फ देखना है, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। हाँ बस हाँ, देखो ये डायग्राम जो है इसमें अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, दो वेक्टर से एक ए बार और एक बी बार, दो वेक्टर से एक एक ही सरफेस पे, इसमें देखो डायग्राम में थोड़ा अच्छे से दिखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कैसा हो गया ना, देखो कि ये जो राइट हैंड रूल है, तो ये मतलब विराम पूरा टेक्स्ट बुक नहीं दिख रहा है क्या, स्क्रीनशॉट है ये, अच्छा थैंक यू। अच्छा देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, लेट ए बार एंड बी बार, यहाँ पे लेट ए बार एंड बी बार बी टू नॉन जीरो वेक्टर से इन अ स्पेस, ए बार और बी बार दो वेक्टर से स्पेस में, इफ ए बार एंड बी बार आर नॉट कोलिनियर, वी चूज अ यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू दी प्लेन बाय राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे देखोगे एन कैप जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लस अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो प्लस में एन कैप आएगा, और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो माइनस एन कैप होगा। और हमेशा याद रखना इसमें ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी है और यहाँ पे बी क्रॉस ए है, ये दोनों भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, मतलब ए बार क्रॉस बी बार की जगह बी बार क्रॉस ए बार लिखोगे, तो साइन भी जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें कैसा होगा, राइट हैंड रूल के लिए जो ए टू बी जा रहा है, देखो ए टू बी मूव कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये राइट हैंड रूल रीड करते हैं, विच मीन्स एन कैप पॉइंट्स इन दी वे राइट थंब पॉइंट्स व्हेन अवर फिंगर्स कर्ल थ्रू दी एंगल फ्रॉम, यहाँ पे देखो ये जो एंगल हो रहा है, मतलब अगर हम लोग थंब को देखते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि परपेंडिकुलर होगा, बाकी फिंगर्स जो है वो हमें मतलब एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ए टू बी ऐसे मूव कर रहे हो, देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया है ए टू बी, और जब प्लेन में, और कैसा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर क्यों नहीं देता, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन है, ए टू बी डायरेक्शन दिया है, अगर ए टू बी है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मतलब वो पॉजिटिव आएगा, और बी टू ए होगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि नेगेटिव आएगा। तो हमेशा याद रखना, जब अपवर्ड डायरेक्शन में है मतलब पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये एंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखो एंगल फॉर्म करने के लिए डायरेक्शन होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए,
इसीलिए यहाँ पे ए टू बी लिखा है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना उसमें ए टू बी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, डॉट प्रोडक्ट में ए टू बी और बी टू ए एक ही होता है दोनों, बट यहाँ पे देखो डिफरेंट होता है दोनों। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो प्लस, अगर ए से बी तक जा रहे हो तो प्लस, और बी से ए की साइड में अगर आओगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। और इसीलिए यहाँ पे जो भी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर देता है, परपेंडिकुलर राइट हैंड रूल से मिल जाता है। और जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, उसमें मतलब दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और देखोगे यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिफाइन कैसे होता है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ, फर्स्ट रिमार्क में देखो, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या है, साइन थीटा है। और हमेशा याद रखना स्टूडेंट यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना उसमें कॉस थीटा आता है, और जो सॉरी हाँ जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कॉस थीटा आता है, और जो क्रॉस होता है उसमें साइन थीटा आता है। अब देखोगे फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें फॉर्मूला है ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या है, साइन थीटा। और यहाँ पे एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन है फर्स्ट पॉइंट ऑफ। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर एन कैप अलोंग ए बार क्रॉस बी बार, ये सब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो विरामा, थैंक यू। थैंक यू। तो ये याद रखना यहाँ पे अभी डायग्राम में कि अगर जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब ये ए टू बी अगर जा रहा है तो ये कैसा जो परपेंडिकुलर होगा वो ए क्रॉस बी मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे रोटेशन हो रहा है। और अगर वो डाउनवर्ड साइड में जाएगा मतलब बी टू ए होगा तो ये बी बार क्रॉस ए बार आ जाएगा। और हमेशा याद रखना है इसमें ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार आर डिफरेंट, मतलब ये हमेशा याद रखना है। अगर दोनों का डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर हम लोग ए बार क्रॉस बी बार को बी बार क्रॉस ए बार लिख रहे हैं तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा। हमेशा याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट में जब चेंज करेंगे, मतलब ए बार क्रॉस बी बार को अगर बी बार क्रॉस ए बार लिखना होगा तो ये प्लस में था तो किसमें लिखोगे, माइनस में लिखोगे, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने जो देखा था उसके बाद में इसका फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट वो ऐसा है, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या है, साइन थीटा होता है। और एन कैप भी यहाँ पे आता है ऐसे एन कैप, बट ये एन कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, इसीलिए ना उसको और मॉडिफाई करके नेक्स्ट जो है उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। मतलब क्या फॉर्मूला बनता है, क्रॉस में ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है, उसका वैल्यू कितना आता है, वन आता है। एन कैप क्या है, हमने कंसिडर किया था यूनिट वेक्टर ना, एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब हमने देखा था कि जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। सो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा। अब इससे हम एक और आइडेंटिटी डिराइव करेंगे जो कि आप लोगों को सम्स में बहुत यूजफुल होगा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग ये जो मैंने रेड लाइन में लिखा है ये फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो ये क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा सबका स्क्वायर हो जाएगा। हमने दोनों साइड में स्क्वायर किया तो आप लोग ना कैसे, अगर यहाँ पे मॉड ए बार का स्क्वायर है तो आप उसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब बार नहीं लिखना होता है, सिर्फ ए स्क्वायर लिख सकते हो। मैंने आपको बताया भी था कि जो मॉड्यूलस में है और स्क्वायर में है, और बार हम लोग अगर नहीं लिखना है तो ए स्क्वायर ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मतलब चेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा,
ये हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसमें दो दो क्रॉस प्रोडक्ट है, ए बार क्रॉस बी बार द होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, मॉड में ए बार का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर, मॉड में बी बार का स्क्वायर इसका मतलब क्या है बी बी स्क्वायर। अच्छा आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, आइडेंटिटी से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है माइनस, अब ध्यान से देखोगे तो इसमें सबपे स्क्वायर है, ये जो दूसरा पार्ट है ना इसमें सबपे स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं इसको कॉमन ब्रैकेट में लिख के सबको स्क्वायर कर देते हैं, मतलब कैसे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए बी कॉस थीटा और ये द होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद होगा डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, तो हम ए बार डॉट बी बार को क्या लिखते थे, मॉड में ए बार डॉट मॉड में बी बार इंटू कॉस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड में है तो सिर्फ आप उसको ऐसे ए बी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा, अगर देख रहे हो यहाँ पे मॉड में ए मॉड में बी कॉस थीटा है तो इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हम मतलब ये पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा को हम लोग ऐसे डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में ये रिलेशन है। तो ये कैसा हो जाएगा, अब ये जो मैंने रेड पेन में लिखा है ए बी कॉस थीटा, उसको उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मॉड में, सॉरी ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं, सॉरी ए बार डॉट बी बार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये क्या होगा ए बार डॉट बी बार द होल स्क्वायर। ये हम लोग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला ए बार डॉट बी बार किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ए बार क्रॉस बी बार है द होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हमें स्टूडेंट मिला ना, इसको हम लोग एक्सरसाइज 5.4 में कहीं मतलब यूज करेंगे दो तीन सम में, इसको हम लोग ना लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बोलते हैं, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा आता है, ए क्रॉस बी, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर आता है एन कैप। तो हम एन कैप की जगह पे क्या लिख सकते हैं वन, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा वन। अब हमने साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला है ये भी, उसके बाद में हमने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाद में ब्रैकेट ओपन किया, और ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला था ए बार डॉट बी बार, और ये जो है उसको हम लोग लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। सो और ये भी नोट में याद रखना, डॉट एंड क्रॉस में स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट होता है, जैसे वहां पे आई कैप डॉट आई कैप वन होता था, बट यहाँ पे कैसा होता है ना, अगर सेम है तो वो जीरो हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप वो जीरो हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप जो है वो जीरो हो जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप वो जीरो हो जाता है, और इसके बाद में के कैप क्रॉस के कैप ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब अगर सेम है ना तो ये जीरो हो जाएगा। तो कोई भी अगर वेक्टर आप लेके उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हो तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मतलब जैसे डिफरेंट है, जैसे आई कैप और जे कैप है, अगर दो आई कैप और जे कैप है तो हम वो हमेशा के कैप देगा, और फिर जे कैप क्रॉस के कैप है तो वो हमें आई कैप मिलेगा, मतलब जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो तीसरा वाला वेक्टर हमें मिलेगा, आई और जे को करोगे तो के मिलेगा, जे के को करोगे तो आई मिल जाएगा,
आई और के को करोगे सॉल्व तो जे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स की पॉइंट्स याद रखना जैसे, और हमेशा याद रखना जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिनेंट से कैलकुलेट करते हैं, ये हमें कई जगह पे मतलब यूज होगा काफी जगह पे। जैसे ए बार के लिए यहाँ पे ए बार के लिए ए वन आई कैप है, बी वन जे कैप है, सी वन के कैप है, और बी बार के लिए ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप, ऐसे दिया है। ए बार दिया है और बी बार दिया है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। अब अगर हम क्रॉस निकालते हैं ए बार क्रॉस बी बार, तो पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट फर्स्ट रो में ना हमेशा याद रखना आई जे और के आता है, फर्स्ट रो में आई जे और के आता है, और जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो है स्टूडेंट यहां पे, फर्स्ट में आई कैप जे कैप और के कैप, और सेकेंड में जो है उसमें उसमें हम लोग मतलब यहाँ पे जो भी ए वन बी वन सी वन है वो लिखोगे, ए वन बी वन सी वन, और सेकेंड में ए टू बी टू और सी टू, ये ऐसे सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ। हाँ तो एक सम मतलब 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सर, सब सर, हाँ 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 हेलो सर, आई कैप इनटू जे कैप इज इक्वल टू के कैप लिखा है, हाँ हाँ सर, जे कैप इनटू आई कैप भी लिख सकते क्या, के कैप मतलब वो जैसे सीक्वेंस में जाता है आई जे के ऐसे रहता है, मतलब वो डिपेंड करता है, सम सॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब वो आई और मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। रुको मैं वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा है, वो मुझे एक मिनट देना सिर्फ। फाइव पॉइंट फोर के लिए इसमें ऐसा दिया है ना, वो थोड़ा डिटेल में बताना है, वो जब सम्स आएंगे तो फिर मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए मतलब जो पहले मैं ये बता रहा हूँ वो अच्छे से ध्यान से देखना, वो सब मुझे क्लियर करना है। ए बार के लिए टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस ऑफ के कैप है, इफ ए बार इक्वल्स टू ये दिया है, बी बार इक्वल्स टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, मैंने यहां पे बोला फाइंड फाइंड ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, ये हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। इफ ए बार इक्वल्स टू ये है और बी बार इक्वल्स टू ये है, फाइंड क्या बोला है, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, सो यहाँ पे ना स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है दो मतलब दो वेक्टर्स के बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। बट पहले हम ना इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, या फिर इसमें पर्टिकुलर पहले क्रॉस प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट कैलकुलेट करो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट के राइट साइड वाला पार्ट कैलकुलेट करो। तो पहले हम लोग ये पार्ट सॉल्व करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार वाला, ए बार प्लस बी बार वाला। तो यहाँ पे यार ए बार इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस ऑफ के कैप, बी बार इक्वल्स टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, ए बार और बी बार लिखा। अब उसके बाद में पहले दोनों को प्लस करना है फिर दोनों को माइनस करना है, तो हम ए बार प्लस बी बार निकालते हैं। तो ए बार प्लस बी बार के लिए देखो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, ए बार का वैल्यू क्या है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप प्लस, बी बार के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है, आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, आई कैप साथ में रखो, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, तो थ्री आई कैप, और थ्री और माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस वन जे कैप
माइनस है और प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस के क्या, ये हमें ए बार प्लस बी बार मिल गया। अब क्या निकालना है, ए बार माइनस बी बार, तो ए बार माइनस बी बार क्या हो जाएगा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। बी बार के लिए क्या है, आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, तो ओपन करेंगे अगर इसको, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, और ये ओपन करोगे तो माइनस आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप, तो आई कैप साथ में, टू आई कैप माइनस आई कैप कितना हो जाएगा, वन आई कैप, और थ्री प्लस फोर कितना होगा, सेवन, सेवन जे कैप, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस यहाँ पे थ्री के। तो ए बार प्लस बी बार पहले हमने कैलकुलेट किया, फिर ए बार माइनस बी बार कैलकुलेट किया, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रो में आई जे के, यहाँ पे लिखता हूं मैं पहले, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे, और फर्स्ट में आई कैप जे कैप और के कैप, और जो दूसरा है उसमें ए बार प्लस बी बार का वैल्यू थ्री माइनस वन और वन है, तो थ्री माइनस वन और वन, और ये जो दूसरा वाला है वो क्या है, वन सेवन और माइनस थ्री, यहाँ पे आई कैप वैसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन और माइनस थ्री क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, सेवन इंटू वन क्या हो जाएगा, सेवन और माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस सेवन हो जाएगा, प्लस जे कैप है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस जे कैप, तो माइनस थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा, माइनस नाइन, और वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन और माइनस में, ठीक है। लास्ट में क्या है, के कैप है, तो के कैप सेवन इंटू थ्री कितना हो जाएगा, ट्वेंटी वन, और वन इंटू माइनस वन क्या होगा, माइनस वन और एक माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, तो सेवन थ्री माइनस सेवन कितना हो जाएगा, माइनस फोर, तो माइनस फोर आई कैप माइनस नाइन माइनस वन माइनस टेन, और बाहर भी माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, टेन जे कैप, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी टू के कैप, तो ये इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सो ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, तो पहले दोनों को प्लस किया, फिर दोनों को माइनस किया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देना। इसमें कुछ डाउट है, ये टू मार्क्स के लिए सम्स आते हैं, कुछ डाउट है क्या इसमें, हाँ टू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड जो सम है उसमें ये दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स जे कैप प्लस टू के कैप एंड I कैप प्लस J कैप। सो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या दिया है इसमें, हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर मतलब N कैप कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या बोला, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर दो मिलेंगे यहाँ, एक प्लस में और एक माइनस में, सो फाइंड क्या बोला, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स आई जे कैप प्लस टू के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप। देखो अगर इसके परपेंडिकुलर है तो हमें कैसे, ये जो फर्स्ट वेक्टर है और ये जो सेकंड वेक्टर है, अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पहले लेट ए बार इक्वल्स टू जे कैप प्लस टू के कैप, दोनों वेक्टर्स को पहले हम लोग कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे ए बार हो गया और बी बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, तो ए बार हो गया और बी बार हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर वेक्टर बोला है,
तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं एन बार है. लेट एन बार बी द परपेंडिकुलर वेक्टर. यूनिट वेक्टर के लिए क्या रहता है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या रहता है और परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए बार रहेगा, ठीक है. तो इसका अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा. तो ए बार क्रॉस बी बार ये हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब एन बार मिल जाएगा. तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, आई कैप जे कैप और के कैप, आई जे के, और इसमें क्या लिखोगे, ए बार के लिए क्या है, आई यहाँ पे है ही नहीं तो मतलब जीरो, जे कितना है वन तो यहाँ पे वन, और के कितना है टू है तो यहाँ पे टू, और इसमें वन वन है और जीरो, वन वन जीरो. इसको सॉल्व करते हैं, आई कैप वैसे ही रहेगा, वन अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, और वन अगर टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू, और बीच में साइन माइनस. तो प्लस जे कैप के लिए क्या लिखोगे, माइनस जे कैप, तो माइनस ऑफ जे कैप, इसके लिए तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस टू. लास्ट के लिए प्लस के कैप, वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और ये माइनस ऑफ वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप और यहाँ पे माइनस ऑफ के कैप. तो ये हमें क्या मिल गया जी सर, तो इसका टाइम एंड हो गया सर, ऑप्शन जी जी सर. ओके ओके सर.